हेलो गर्ल्स कैसे हो आप सब वेलकम बैक टू माय चैनल इट्स मी सिद्रा खान ये मैं मेकअप लुक आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ यार ये उन लोगों के लिए वीडियो है जो बिगिनर्स हैं और जो चाहते हैं कि हम अच्छा सा प्यारा सा मेकअप करके जो है वो किसी इवेंट पर शादी पर पार्टी पर जाएं और ऐसा लगे कि हमने कोई सलोन से ज़बरदस्त सा मेकअप करवाया सटल सी लुक होगी और डिसेंट बहुत लगेंगे आप लोग ठीक है ना हल्की सी लाइट सी आइज़ होंगी और डार्क आप लिपस्टिक लगाएंगे तो कमाल ही हो जाएगा तो जनाब ये वाली जो लुक है वो मैं आप लोगों को बिल्कुल आसान तरीके से सिखाऊंगी कि किस तरह से आप लोगों ने इस लुक को अचीव करना है वीडियो आप लोग पूरी देखें कोई पार्ट स्किप ना करना तभी आपको अच्छे तरीके से समझ आएगी तो आईब्रोज़ की शेप जो है देख लें मैंने मिसरोज़ की पैलेट लेके पहले आईब्रोज़ की शेप को ड्रॉ किया है उसके बाद उसको फिल करके इसकुली ब्रश से आगे वाला पार्ट जो है वो उसको कॉम कर लिया बल्कि पूरी आईब्रोज़ को कॉम किया है लेकिन फ्रंट पार्ट जो है वो उसको आप लोगों ने ज़्यादा वहाँ पर प्रोडक्ट अप्लाई नहीं करना होता ठीक है ताकि नेचुरल सी लुक आए उसके बाद ये देख लें कंसीलर ले लें कोई सा भी अच्छा अच्छा सा और फ्लैट ब्रश के ऊपर कंसीलर की मदद से आप अपनी जो है आईब्रोज़ को नीट कर लें जिनकी आईब्रोज प्लक नहीं हुई होती या शेप नहीं बनी होती तो वो इस तरीके से ये वाला हैक ट्राई करें आपकी आईब्रोज बिल्कुल ऐसे लगेंगी जैसे अभी अभी आप सलोन से ना बनवा कर आए हो आईब्रोज ठीक है ना तो जनाब ये देख लें आईब्रोज बनाते ही हमारी आंखें जो हैं वो एकदम खुली खुली लगने लग गई हैं उसके बाद क्या करेंगे हम आईलिट को अच्छे तरीके से प्राइम करेंगे आईलिट के ऊपर <laughs> सॉरी आईलिट के ऊपर आप लोगों ने क्या करना है कि अच्छे तरीके से कंसीलर वही वाला कंसीलर कुछ अच्छा तो कंसीलर अप्लाई करें ताकि अच्छी सी कवरेज आ जाए जा जा जा। और यहाँ पर मैं ब्यूटी ब्लेंडर को जो है रोज़ वाटर से हल्का सा बिल्कुल स्प्रे करके ना और मैं यूज़ कर रही हूँ ताकि मेरी जो आ, कंसीलर है वो अच्छे से, से सेट हो जाए तो जनाब उसके बाद आपने पाउडर से सेट कर लेना है ताकि आप लोगों की जो शेड्स हैं वो कमाल के उठ के आएँ आपके जो आप अप्लाई कर रहे हो हमने यहाँ पर लिया है ऑरेंज सा क्रीज लाइन बनाने के लिए शेड आप भी आ, कोई भी ड्रेस आपने किसी भी कलर का पहना हो आप ये वाला शेड डिफाइन करने के लिए क्रीज लाइन को यूज़ कर सकते हैं उसके बाद हल्का सा आप देख लें मैंने थोड़ा सा डार्क शेड उठाया है मेहरून सी टच में है और वो मैं अपने आई कॉर्नर्स के ऊपर वहीं पर उसी लाइन के ऊपर हल्का हल्का सा आईलिट के अंदर रहते हुए ही उसको ब्लेंड करूँगी ठीक है क्रीज़ लाइन के ऊपर और ये मैं ब्लेंडिंग कर रही हूँ आप देख लें मैंने दोनों शेड्स को अच्छे तरीके से जो है वो मिक्स कर दिया है लेकिन जो ऑरेंज की लाइन है ना वो हल्की सी नज़र आनी चाहिए बस उसके बाद ये आप देख लें ये यहाँ पर मैं सिल्वर शेड ले रही हूँ पीची सा सिल्वर कलर कलर है बड़ा प्यारा सा इसको मैंने आईलिट के ऊपर अप्लाई किया है सिम्पल तीन स्टेप में आप लोगों ने ना ये वाली मेकअप लुक कंप्लीट कर लेनी है लाइनर आपका टेढ़ा लगता है ख़राब लगता है कोई टेंशन वाली बात नहीं है लाइनर आप जैसा आता है आपको वैसा अप्लाई कर लें उसके बाद आपने क्या करना है कि जी लाइनर को अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेना है ब्लेंडिंग आप लोगों ने एक छोटा ब्रश लेना है जैसे मैंने लिया एंगुलर ब्रश और उसको मैंने ना अच्छा हल्का सा लाइट सा ब्राउन शेड ले लें या ब्लैक शेड ले ना उसको ब्लेंड कर लें उसके बाद यहाँ पर देख लें मैं क्या हल्का सा जो है वो आ, शिमर अप्लाई कर रही हूँ बड़े प्यारे से ये शिमर थे काशिज़ की पैलेट में से आपके पास सिल्वर कलर का हो या पिक ये पीछे पिंक कलर का था बहुत खूबसूरत लग रहा था लाइट लाइट सा सिर्फ आईलिट के सेंटर में अप्लाई किया पूरी आँख पे अप्लाई नहीं करना ताकि आपकी लुक जो है ना वो डिसेंट सी आए उसके बाद आप लोगों ने मस्कारा अच्छे से अप्लाई करना है इस लुक के साथ कितना कमाल लगता है ना आप ब्लेंडेड लाइनर लगाएँ और मस्कारा अप्लाई करें यार बहुत औसम लुक आती है और ये देख लें मैंने लाइनर अप्लाई किया एकदम मेरी आँखों की शेप चेक कर लें कितनी खूबसूरत हो गई है सॉरी मस्कारा उसके बाद आपने मैंने काशिज़ और टॉप फेस की फाउंडेशन को मिक्स किया है मैं ज़्यादा हैवी जो है वो फाउंड बेस नहीं चाह रही थी अपने फेस पर इसलिए मैंने दोनों फाउंडेशन को मिक्स करके और फिर मैंने वही हल्का सा वेट किया है ब्यूटी ब्लेंडर को रोज रोज वाटर से किया है मैंने ताकि जो है वो ऑयल फ्री हो जाए और ज़्यादा तेल मेरे चेहरे पर ना आए ऑयली ना हो मेरी स्किन ठीक है तो वही फाउंडेशन क्योंकि इतनी फुल कवरेज है काशिश की तो उसी से मैंने जो है वो अंडर आई एरिया को भी कर लिया है uh. कवर कर लिया ठीक है उसके बाद ये देख लें पूरे फेस पर हमने ब्लेंड कर लिया है अब क्योंकि कंसीलर अप्लाई करने के बाद आंखों की शेप जो है वो चाइनीज़ चाइनीज सी हो जाती है तो हमने वही शेड जो है जो क्रीज़ लाइन पर अप्लाई किया था ब्राउन सा उसी शेड को हल्का हल्का सा ब्लेंड कर दिया है लोअर लैश लाइन पर इनर आई एरिया को मैं हाईलाइटर से हाईलाइट कर रही हूँ ताकि आँखें और ख़ूबसूरत और खुली खुली सी लगें और वही जो हाईलाइटर है वो मैं देख लें इनर कॉर्नर्स की तरफ किस तरह लोअर लैश लाइन पर अप्लाई कर रही हूँ सिर्फ अंदर अंदर वाली साइड पर और यही मैं bone को भी हाईलाइट कर दूंगी तो ये देख लें आई मेकअप कितने आसान और सिंपल स्टेप्स में जो है वो कोई भी कर सकता है ये वाला आई मेकअप अब।, अब मैं न्यूड पेंसिल अप्लाई कर रही हूँ न्यूड अप्लाई किया करें वाइट पेंसिल से बहुत ओवर सी हो जाती है लुक बहुत ज़्यादा आँखें अजीब सी लगने लग जाती हैं तो न्यूड पेंसिल अप्लाई करेंगे तो बिल्कुल नेचुरल सी लुक आएगी और आंखें भी खुल जाती हैं हल्की हल्की सी और ये मैं लोअर लैश लाइन के ऊपर सिर्फ मस्कारा अप्लाई करूंगी और मैंने कुछ नहीं किया वही शेड हल्का सा ब्लेंडेड सा अप्लाई करके और मैं मस्कारा अप्लाई कर रही करी देख लें आप लोग किस तरीके से तो आँखें देख लें बस आँखें ज़बरदस्त सी सिंपल सी सिंपल भी हैं और ख़ूबसूरत भी हो गई हैं उसके बाद हम फेस की कॉन्टोरिंग कर लेंगे और कॉन्टोर देख लें बिल्कुल लाइट सा किया है बहुत ज़्यादा कॉन्टोर नहीं किया लेकिन मैं आपको यहाँ पर डिफ्रेंस दिखा रही हूँ के कॉन्टोर वाली साइड और दूसरी साइड पे आप डिफरेंस चेक कर लेना कि जहाँ हम कॉन्टोर और ब्लश अप्लाई करेंगे और दूसरी साइड पर अभी मैंने नहीं अप्लाई किया तो दोनों साइडें जो हैं वो आप चेक करें के कितना फ़र्क आ जाता है उसके बाद हम नोज़ की कॉन्टोरिंग कर लेंगे नोज़ की कॉन्टोरिंग देख लें मैं किस तरीके से कर रही हूँ ये मैंने हैक ट्राई किया था उसकी वही तरीक़ा जो है वो मैं नोज़ की कॉन्टोरिंग के लिए यूज़ कर रही हूँ तो आपको जैसे अच्छी लगती है आप वैसे कॉन्ट्रोल करें हाइलाइटर इस लुक में ना बहुत कमाल लगता है आपने हाइलाइटर ज़रा नोज़ को अच्छे से हाईलाइट करें चीक बोन्स को हाईलाइट करें पार्टी मेकअप लुक में जो है ना और अगर कोई शाम का इवेंट हो तो बहुत ही ज़बरदस्त ड्यू ग्लोई सा मेकअप लगता है और आउट क्लास लगते हैं जब आप डार्क लिपस्टिक लगा रहे हो और लाइट सी आ, आई आई मेकअप हो और हाइलाइटर अच्छे से अप्लाई हुआ हो तो ये मैंने लिप्स की जो है वो शेप पहले ही ड्रा कर ली थी और ब्राउन लिप, लिप लाइनर से उसके बाद मैं ब्रश की मदद से लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ ये लिपस्टिक पता नहीं कौन सी कंपनी की है अच्छी वाली है कोई पता नहीं कौन सी है अच्छा जी तो लिपस्टिक का कलर मुझे बहुत अच्छा लगा लगता है ये वाला ब्राइट सा शेड है आप कोई भी ब्राइट शेड अप्लाई करें और इस आई मेकअप को इतना कॉम्प्लीमेंट कर रहा था ये कलर बहुत खूबसूरत लग रहा था इस मेकअप के साथ तो जनाब ये देख लें जैसे जैसे लिप कलर अप्लाई कर रही हूँ वैसे वैसे लुक कितनी ख़ूबसूरत होती जा रही है और आगे जो है वो मैंने ए, मेरी फ़ाइनल लुक आने वाली है और हेयर स्टाइल आप देख लेना कि ये जो मैंने ब्लो ड्राई की लुक आ, की है ना ये मैंने स्ट्रेटनर से की है ठीक है जिन, जिन लोगों को ब्लो ड्राई करना नहीं आता और चाहते हैं कि उनके बाउन्सी सी लुक आए बालों में बड़े ख़ूबसूरत सा एक वॉलीम आ जाए तो आप लोग जो है वो इस मेथड से कर सकते हैं स्ट्रेटनर से आप ये वाली लुक बना सकते हैं ब्लो ड्राई वाली तो जनाब ये भी मैंने इसकी वीडियो रिकॉर्ड कर ली है इनशाला ये भी मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर दूँगी अगर आप लोगों को चाहिए होगी तो वैसे भी मैंने आप लोगों के लिए बनाई है तो अपलोड तो करूँगी इन तो ये है फ़ाइनल लुक आप चेक कर लें हेयर स्टाइल्स कितना हेयर जो है वो वॉल्यूम चेक करें कितना ख़ूबसूरत आ गया और बिल्कुल ब्लो ड्राई वाली लुक आ रही है और ये मैंने हेयर स्ट्रेटनर से ए, किया है सारा कुछ मैंने कोई इसके अंदर ड्रायर हेयर ड्रायर यूज़ नहीं किया आप देख लें आँखों का मेकअप फेस मेकअप ये फाइनल लुक चेक करें कितनी खूबसूरत आ गई है और उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी यार अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें कमेंट्स करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार लाजमी किया करें आज की लुक बहुत खूबसूरत थी और इन आपके लिए इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस बनाती रहूँगी और मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर लीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल दिन बाय